अब तक हमने बड़े घर की बेटी इस कहानी के दो भागों को देखा और दो भागों में हमने देखा कि किस प्रकार घर में आग लगी थी लाल बिहारी के बर्ताव के कारण से, और जब उसने खड़ाऊ से आनंदी को मारा तो आनंदी को बहुत ही गुस्सा आया, तो उस कारण से वह अपने पति को बोलकर लाल बिहारी को सबक सिखाना चाहती है, लेकिन शनिवार तक ये श्रीकंठ सिंह नहीं आने वाले हैं और शनिवार के बाद यह कहानी फिर आगे बढ़ सकती थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि श्रीकंठ सिंह के आने के बाद कहानी का रुख क्या बदलता है और क्या क्या हो सकता है। तो जैसे कि हमने बताया था कि शनिवार के दिन यहाँ पर हमने देखा कि श्रीकंठ कब घर आया करते थे, शनिवार के दिन श्रीकंठ घर आया करते थे। जब श्रीकंठ घर आए तो उसमें क्या था कि पूरे गांव भर में वह जाके सबसे मिलना और सभी लोगों से बात करना, सभी लोग श्रीकंठ की बातों में बहुत ही दिलचस्पी दिखाते थे और इस कारण से वह उन सभी से निपट कर जब घर आया तो वह रात हो गई थी और रात में वह जब घर आया ये ना इतना श्रीकंठ सिंह बंदा शनिवार दिन बंद कुले वहाँ डायरेक्ट मन बर्ती उरान मंदी के भेटे उरान भेटे या उरान इव ऐन हेतान आ शहरदेन तक बर्तान अंदर कहोद्रे बहुत उत्साह कायकोट इतना हिंगी अद्नेला मेला श्रीकंठ सिंग कोने मन बर्तान आ मन बर तनक खत् आ बंद मेले ऐन लाल बिहारी हेतन अण नीन मत भाभी हेड़ो अंद्र अतिगे हेड़ो स्वल्प मन सरिया इला मत बहुत अनाथ आगत नोड़ अंत कूड़े अपद बेनी माधव सिंह ऐन अलप यह रीति गणम बी हतो सरी हेणमु मत हेणमक बहुत हुषारदीर अंदे मत लाल बिहारी हेतन अण नोड़ मत और बहुत श्रीमंतरबूद मत नाव कड़मे अंत हेतन इविष्टेला श्रीकंठ ऐनू अर्थ आग अल ऐन नडदन हेड़्री अंदे लाल बिहारी ऐन ऐन हंग सुम जगल बिद्लु ऐन इष्ट आगे नोड़ अंदे अल सर ऐन नडदति अंत मेले सर हेंग अस्ट लाल बिहारी इवन हेतन अद्रे श्रीकंठ ऐन अंद्रे हेती मेले बहुत सीट बरत ऊट गिट मुगसक तन हेंडति कड़े होता आती सिटे कुंतु आवेन शनिवार के दिन जब श्रीकंठ घर आए तो सारे लोगों से बातचीत समाप्त करने के बाद जब वो घर आए तो घर आने के बाद लाल बिहारी ने उनसे पूछा, भैया भाभी को कहो कि मुंह संभाल कर बात किया करे। और बेनी माधव ने कहा कि हाँ, बहुओं का यह कर्तव्य नहीं और वही बहुओं का यह बर्ताव ठीक नहीं कि वह मर्दों के मुंह लगे। और उसके बाद फिर लाल बिहारी कहते हैं कि वो चाहे बहुत अमीर होंगे लेकिन हम भी क्या कुर्मी का कमा रही है जो कि हम बहुत ही छोटे नहीं है, ऐसी बात बताता है। ऐसी बात बताने के बाद श्रीकंठ को बहुत ही ताज्जुब होता है कि आखिर ये क्या कह रहे हैं और पूछता है कि बात क्या हुई वह तो बताइए। तब लाल बिहारी बताता है कि कुछ नहीं भाई, ऐसे ही वह उलझ पड़ी, ऐसे ही वह झगड़े पर आई और इसीलिए आप पत्नी को बता दीजिए कि यहाँ पर ढंग से रहना चाहिए। इन सारी बातों को सुनने के बाद श्रीकंठ को अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा आता है। वह खाना वगैरह समाप्त करने के बाद अपनी पत्नी के पास जाता है और वह पत्नी बहुत ही गुस्से में बैठी हुई थी और ये भी थोड़े तीखे होकर कमरे में गए तो पत्नी ने इनको पूछा कि क्या आप ठीक से तो है। तब इसने बताया कि हाँ ठीक से हूँ, लेकिन आजकल तुमने ये क्या उपद्रव मचा रखा है। यह श्रीकंठ जो बोलता है, आजकल तुमने यह क्या उपद्रव मचा रखा है, यह संदर्भ के लिए आ सकता है जिसके लिए 3 मार्क्स है, आप ध्यान से सुनिए। तो श्रीकंठ आनंद से पूछता है कि आजकल तुमने यह क्या उपद्रव मचा रखा है। तब वह सारी घटनाएं बोलती है कि जिसने तुम्हें ये आग लगाई है उसे मैं झुलस दूं। ऐसे कहने के बाद वह पूछता है कि आखिर बात क्या हुई, तो वह सारा वृत्तांत बता देती है कि इस प्रकार बृहस्पतिवार के दिन लाल बिहारी जब दोपहर में खाने के लिए आया और खाने के साथ वह उसने क्या कहा कि मांस बनाने के लिए कहा और मैं जब बनाने लगी तो उसमें थोड़ा सा बचा हुआ जो घी था उसमें मैंने डाल दिया
और जब खाना उसने मैंने परोसा, परोसने के बाद जब वह और घी मांगने लगा तो उस समय घी नहीं था, तो मैंने कहा कि घी खत्म हो गया है। और इस पर वह गुस्से में आकर बोलने लगा और मायके के बारे में वह बोलने लगा, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया और इस कारण से गुस्से में मैंने कह दिया कि इतना जो घी है हमारे मायके में नौकर खा कर जाते हैं। तो इस बात से वह गुस्से में आकर मुझ पर उसने क्या किया, एक तो उसने थाली पलट दी और दूसरा उसने क्या किया, मुझ पर उसने खड़ाऊ से मारा, मुझे चप्पल से मारा। इस बात से श्रीकंठ बहुत ही गुस्सा हो गया। वैसे लाल बिहारी श्रीकंठ की बहुत ही इज्जत करता था। श्रीकंठ वळ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳ್ತಾನ, ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಏನ್ ನರಸಿಂಹನ ಮನೆಯಾಗ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ ತಮ್ಮ, ಅವ್ನು ಸಿಕ್ಕರ ಅವನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಆನಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರ, ನಡೆದಂತ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳ. ಹಿಂಗ ನಿಮ್ ತಮ್ಮ ಗುರುವಾರ ದಿನ ಊಟದ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದ, ಆ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಮಾಂಸವನ್ನು ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರ, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಉಳಿದಿತ್ತು, ಆ ತುಪ್ಪನ್ನು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಬಡಿಸಿದೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸಿದೆ. ಆ ಬಡಿಸಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಕೇಳಿದ್ವು ಅಡಿಗೆ ಊಟದೊಳಗ, ಅವಾಗ ತುಪ್ಪ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು, ಮನೇಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗೈತಿ. ಅವ್ರು ಒಮ್ಮುಕ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತವ್ರ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ತವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ಈ ತುಪ್ಪದ ನದಿ ಹರಿತಾವ್ರ ಅಂದ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಏನಂದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ಇಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ್ನ ಯಾರು ತಿಂದು ಹೋಗ್ತಾರ, ಆಳ ಮನುಷ್ಯ ತಿಂದು ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂದ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಒಗೆದು ಮತ್ತೆ ಆ ಊಟದ ಈ ತಾಟಿಯನ್ನ ಉಲ್ಟ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಶ್ರೀಕಂಠ ತಲೆ ಕಟ್ಟೋಗ್ತದ. ಈ ಹುಡುಗಂದು ಇಷ್ಟ ಸೊಕ್ಕ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಆಯ್ವ ಚಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಂತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ ಮಲಗೋದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಕಂಠ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಆನಂದಿ ದೇವಿ ಅಳಾಕತ್ಲು, ಆನಂದಿ ಅಳಾಕತ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅವಾಗ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವನ್ನ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ ಕೂಡ ಅಪ್ಪನ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಮನೆಯಾಗಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಂದ ಕೂಡ ದೇನಿ ಮಾಧವ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ, ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇವ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಈ ಮನೆಯಾಗ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ಆಜುಬಾಜು ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಕತ್ತಿದ್ರು, ಇವ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ನೋಡಿ ಬಂದು ಹಂಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೂಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಈ ಮಂದಿ ಕೂಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕ ಬೇನಿ ಮಾಧವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ಸನ್ನಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಏನಪ್ಪ ಏನೇನ್ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೂಡ ಆ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸುಮ್ಮನಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆಜುಬಾಜು ಮಂದಿನೂ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರು ಜಮಾ ಆಗಾಕತ್ರು. ಹೇಳಿದ, ಈ ಮನೆಯಾಗ ಒಂದು ನಾನಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಮನೆಯಾಗ ಒಂದು ಜಗಳ ನಡೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಊರಾನ್ ಮಂದಿ ಈ ಮನೆಯಾಗ ಜಗಳ ನೋಡೋದನ್ನ ನಡೆಯೋದನ್ನ ಕಾಯಕತ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ ಊರ್ ಮಂದಿ ಉಪದೇಶ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ಈಗ ಇವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ಏನಾಕಿತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಾಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯಕತ್ತಿದ್ರ. ಈಗ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ್ದನ್ನ ಹಗದ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಂಗ ಆಜುಬಾಜು ಹೋಗೋರು ಈಗೋರು ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಸೇರಾಕ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಬೇನಿ ಮಾಧವಗ ಈ ವಿಚಾರ ಊರ್ ಮಂದಿ ತಿಳಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಅವ ಹೆಂಗರ್ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಶಾಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀಕಂಠ ಈ ಮಾತನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಂದ ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಜಬ್ ಸುಬಹ ಹುಯಿ ತೋ ಶ್ರೀಕಂಠ ಅಪ್ನೆ ಪಿತಾಜಿ ಪಾಸ್ ಜಾಕರ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಅಬ್ ಇಸ್ ಘರ್ ಮೇ ಮೇರಾ ನಿರ್ವಾಹ ನಹಿ ಹೋಗಾ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ನೇ ಇತನಾ ಉಪದ್ರವ ಮಚಾ ರಖಾ ಹೈ ಕಿ ವಹ ಇತನಾ ಉಸ್ಕಾ ಹಿಮ್ಮತ್ ಕಿ ಮೇರಿ ಪತ್ನಿ ಕೆ ಉಪರ ವಹ ಖಡಾವ್ ಸೇ ಮಾರೆ ಔರ್ ಮೇರಿ ಪತ್ನಿ ಕೋ ವಹ ಖಡಾವ್ ಸೇ ಮಾರೆ ತೋ ಇಸಿಲಿಯೇ ಮೈ ಇಸೆ ಸ್ವೀಕಾರ ನಹಿ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ, ಯಾ ತೋ ವೋ ಇಸ್ ಘರ್ ಮೇ ರಹೇಗಾ ಯಾ ತೋ ಮೈ ಇಸ್ ಘರ್ ಮೇ ರಹೂಂಗಾ, ಇದು ಐಸಾ ಉಸ್ನೆ ಕಹ ದಿಯಾ. ಐಸಾ ಕಹನೆ ಕೆ ಬಾದ ಬೇನಿ ಮಾಧವ ಕೋ ಬಹುತ್ ಬುರಾ ಲಗಾ ಔರ್ ಉಸ್ನೆ ಕಹಾ ಕಿ ಕ್ಯೋ. और इस बात से आजू बाजू के जो लोग थे वो आकर वहां पर जमा होने लगे, और होने के बाद ये मामला बढ़ने लगा. और बेनी माधव नहीं चाहते थे कि यह मामला पूरे गांव वालों को पता चल जाए, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे लोग जमा होने लगे, क्योंकि अब तक इस घर में झगड़ा नहीं होता था, लेकिन अब झगड़ा होते देखकर लोगों को भी इस घर का मजा लेना था और इसीलिए वो जमा हो गए. और इसमें एक यहाँ पर बात आती है, ये प्रश्न आता है, गौरीपुर गांव के जमींदार कौन थे? गौरीपुर गांव के जमींदार थे बेनी माधव सिंह. तो इस प्रश्न का यह उत्तर है, गौरीपुर ऊरीन जमींदार यारागिद्रु बेनी माधव सिंह आगिद्रु. इदाद्मेले किसकी आंखें लाल हो गई? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई. श्रीकंठ कहने लगा कि
मैं तो कहीं नौकरी के लिए जाता हूँ और यहाँ पर स्त्रियों के ऊपर कोई चप्पल से मारे, खड़ाओं से मारे और घूसे मारे, तो मैं उसे संभाल नहीं सकता, मैं उसे सह नहीं कर सकता। तो वह निरंतर गुस्सा करने लगा और बेनी माधव सिंह उसे शांत करना चाहते थे और लोगों को ताली बजाने का मौका नहीं देना चाहते थे, लेकिन इस बात की ओर श्रीकंठ ध्यान नहीं देते और लगातार वह कहते जाता है कि अगर आपको लाल बिहारी बहुत प्यारा है तो उसे आप अपने घर में रखिए, अगर मैं प्यारा नहीं हूँ तो मैं चला जाऊँगा, अगर मैं प्यारा हूँ तो मुझे आप घर में रखिए और लाल बिहारी को आप बाहर निकालिए। तो इन बातों से बेनी माधव को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि बेनी माधव सिंह का सम्मान करते थे श्रीकंठ सिंह अब तक, लेकिन आज जिस अंदाज में श्रीकंठ बोल रहे हैं तो उससे यह लग रहा था कि अब श्रीकंठ बेनी माधव सिंह की बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। और बेनी माधव सिंह कहते हैं कि बेटा तुम बुद्धिमान होकर इस प्रकार कर रहे हो, तो तब श्रीकंठ बोलता है कि पिताजी आपके आशीर्वाद से मैं सब कुछ जानता हूँ और सब समझता हूँ, आज एक स्त्री की यहाँ पर मान नहीं रखी जा रही है और प्रतिष्ठा नहीं रखी जा रही है तो मैं उसे कैसे सहन कर सकता हूँ। इन सारी बातों के कारण से श्रीकंठ अपने पिताजी को हर बात का वह जवाब देने लगता है। तो ये सारी बातें बेनी माधव सिंह को बुरा लगता है और अंत में कहते हैं कि बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते। यह वाक्य बेनी माधव सिंह श्रीकंठ को कहते हैं, यह वाक्य बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते, यह वाक्य बेनी माधव सिंह श्रीकंठ को कहते हैं। तो ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇನಿ ಮಾಧವ್ ಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೋ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಜಾಯಿಸಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀಕಂಠ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಕಂಠ ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರ, ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಶ್ರೀಕಂಠ ಬೇನಿ ಮಾಧವ್ ಸಿಂಗ್ ಬಹಳ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅಂದಾಜೊಳಗ ಈ ಶ್ರೀಕಂಠ ಮಾತಾಡಕತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಬೇನಿ ಮಾಧವ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಕತ್ತಿಯಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಯಪ್ಪ ನನಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನೀನು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಕಟುವಾಗಿ ನೋಡಾಕತ್ತಾರ ಮನೆಯಾಗ, ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ನನ್ನ ಮನೆಯಾಗ ನನ್ನ ಸ್ತ್ರೀ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಒಂದು ನಿಮಗ ಆ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿಯನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ನನಗ ಈ ಮನೆಯಾಗ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನನಗ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಮನೆಯಾಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಆ ಬೇನಿ ಮಾಧವ್ರು ಹೆಂಗ್ರೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಮನಿ ತನಕನ ಮುಚ್ಚಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರ, ಆಗ ಜನ ಹಂಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರ ಸೇರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಒಟ್ಟ ಈ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದು ಒಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಒಂದ ಆ ಮನೆಯಾಗ ಜನ ನಡೆಯೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಿಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಾಕತ್ರ. ಅವಾಗ ಬೇನಿ ಮಾಧವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಏನಂತೇಳಿ, ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಲೋ ಮೂರ್ಖೋ ಕಿ ಬಾತ್ ಪರ್ ಧ್ಯಾನ್ ನಹೀ ದೇತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಬೇನಿ ಮಾಧವ್ ಸಿಂಗ್ ಶ್ರೀಕಂಠಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. यह सारी घटना लाल बिहारी वही दरवाजे के चौकट पर खड़े होकर वह सुन रहा था और अब तक उसे भैया के ऊपर बहुत ही भरोसा था, भैया हमेशा अपने भाई को बहुत ही प्यार करते थे और श्रीकंठ हमेशा अपने भाई का बहुत ही कद्र करता था। जब दंगल में वह जीत गया था तो 5 रुपए का उसने मिठाई बांटे थे और बहुत ही खुश होकर उसने उठाया था उससे अपने भाई को, तो ये सारी बातें उसे याद आकर आज वो सोचता है कि इतने कठोर मेरे भाई कैसे हो सकते हैं और इतना कठोर निर्णय मेरा भाई एक कारण से सिर्फ एक वजह से वह कैसे कर सकता है, ये सारी विचार लाल बिहारी करने लगता है। लाल बिहारी ऐन ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮನೆ ಏನು ಬಾಗಲಿತ್ತು ಆ ಬಾಗಲದೊಳಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಾಕತ್ತಿದ್ದ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿಗೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಅವಂಗೇನಿಸಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮಣ್ಣ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನ, ಅವ ಏನೂ ಎಂದೂ ನನಗೆ ಏನು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಆ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಹಿಂದೆ ಇವ ಕುಸ್ತಿ ಆಟದೊಳಗೆ ಗೆದ್ದಾಗ ಆ ತಮ್ಮನ್ನ 5 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಿಠಾಯಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಎಂದೂ ನನಗೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ಕೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಶ್ರೀಕಂಠ ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವ ಮನೆಯಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಮನೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಸಾರಿ ಬಾತೋಕ್ಕೆ ಬಾದ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಕಮರೆ ಮೇ ಆತಾ ಹೇ और वह अपने काम सारे कपड़े लेकर वह जाने को तैयार हो जाता है और यह जानते हुए कि भैया अब मेरा मुंह नहीं देखना चाहते तो इसीलिए मैं इस घर से चला जाता हूँ, ऐसा वह कहने लगता है। और वहाँ पर आनंदी थी,
और आनंद ने ये सारी बातें उसने सुनी। सुनने के बाद वह कहने लगता है और वह अपनी आंखें पोंछ लेता है ताकि कोई ऐसा ना समझे कि वह रो रहा है। तो आंखें पोंछते हुए उसने आनंद से कहा, भैया ने निर्णय कर लिया है कि मैं अभी इस घर में न रहूं और वे नहीं चाहते कि मेरा मुंह देखे, तो इसलिए मैं इस घर से चला जाता हूँ, ऐसा लाल बिहारी ने आनंदी के सामने कहा। और जिस समय लाल बिहारी ये सारी बातें आनंदी से कह रहा था, उसी समय बाहर से श्रीकंठ अंदर आया और अपने भाई को खड़े देखकर उसने क्या किया, अपना मुंह फेर कर उधर चला गया, जैसे कि उसने अपने भाई को देखा ही न हो, उसने नज़रअंदाज कर दिया। और इस कारण से और भी लाल बिहारी को बुरा लगता है और उसने सोचा था कि शायद वह आखिरी समय में मुझे रोक लेंगे, लेकिन लाल बिहारी वह अंदर चला गया। और इधर अब आनंदी को लगने लगा कि मैंने ये सारी बातें तो कह दी श्रीकंठ के सामने और श्रीकंठ इतने गुस्से वाले हैं, मुझे मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा, मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने ऐसे ही बोला लेकिन इसका परिणाम इतना होगा, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। इस प्रकार आनंदी को अपने आप में तो बुरा लगने लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। और दरवाजे पर खड़े होकर लाल बिहारी फिर एक बार कहता है कि मुझसे जो कुछ गलती हुई है क्षमा करना, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना। इस प्रकार वह आनंदी से कहता है लाल बिहारी, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है क्षमा करना, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है क्षमा करना। यह कहने के बाद वह जाने लगता है और उस समय लाल बिहारी के आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो प्रेमचंद ने यहाँ एक बहुत बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा है कि मन के मैल को धोने के लिए आंसू जल से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो एक बात मैं और एक बार बताऊंगा कि प्रेमचंद ने यहाँ पर कहा है कि मन के मैल को धोने के लिए आंसू जल से बेहतर और कुछ नहीं है। इसके बाद वहाँ पर आनंद का दिल पिघल जाता है और वह अपने पत्नी से कहती है कि लाला जा रहे हैं, उनको रोकिए। तो श्रीकंठ कहता है कि मैं नहीं रोकूंगा, मैं क्यों रोकूं, अरे वो चले जाएंगे, रोकिए। तब भी वह रोकते नहीं है और अंत में लाल बिहारी को लगता है कि भैया अब मुझे रोकने वाले नहीं है और मुझे चले जाना चाहिए। यहाँ पर एक प्रश्न आता है, किसकी आंखें लाल हो गई, किसकी आंखें लाल हो गई, श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई, श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। और इस तरह आनंद के कहने के बाद भी श्रीकंठ नहीं मानता, क्योंकि श्रीकंठ बहुत ही गुस्से में है और उसका गुस्सा अभी तक काबू में नहीं हुआ है। और अंत में लाल बिहारी कहता है कि भैया अब मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। और आनंदी कहती है कि मैं जाने नहीं दूंगी और मत जाओ। इसके बाद भी जब लाल बिहारी जाने को तैयार होता है तो उस समय आनंदी झट से उठकर कमरे से बाहर आकर उसे हाथ पकड़ कर रोकती है। रोकने के बाद लाल बिहारी फूट फूट कर रोने लगता है। आनंदी लाल बिहारी का हाथ आकर पकड़ती है और कहती है कि कहाँ जाते हो, तो उसने कहा कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता और मैं चला जाऊँगा और वहाँ चला जाऊँगा जहाँ मेरा कोई मुंह न देखे। तो इसके कहने के बाद मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी, ऐसा आनंदी बोल के उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारे प्रति मेरे मन में किसी प्रकार का मैल नहीं है। इन सारी बातों को सुनने के बाद श्रीकंठ का भी दिल पिघल जाता है और वह झट से आकर अपने भाई को गले से लगाता है और कहता है कि आइंदा इस प्रकार न होना। जब श्रीकंठ आकर उसके गले लगता है तो लाल बिहारी को बहुत ही खुशी होती है और खुशी होने के बाद वह रो रहा है और रोते हुए कहता है कि भैया अब के बाद कभी मत कहना कि मेरा मुंह नहीं देखना चाहते। और उस समय वो लाल बिहारी श्रीकंठ से कहता है, चाहे तुम कुछ भी दंड दो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, लेकिन मुझे घर छोड़कर जाने के लिए मत कहना। और उस समय श्रीकंठ कहता है कि लल्लू सारी बातें भूल जाओ और अगर ईश्वर की कृपा हो तो इस तरह की घटना और एक बार नहीं होगी। तो ये सारी घटना बेनी माधव सिंह देख रहे थे और सारे गांव के लोग देख रहे थे। तो इस घटना से वो बहुत ही खुश होकर अंत में कहते हैं कि अगर बहू हो तो ऐसे, बड़े घर की बहुएं ऐसी होती है और बिगड़ते हुए घर को वह बचा लेती है। तो इस प्रकार आनंदी को सभी लोग वहां पर सराहते हैं, क्योंकि आनंदी अगर अंत में
गुस्सा कायम रखती तो शायद लाल बिहारी चला जाता और घर बिगड़ जाता, टूट जाता, लेकिन टूटते हुए घर को आनंदी ने बचाया। तो इस प्रकार बिगड़ते हुए घरों को बचाना चाहिए, एक बनाना चाहिए, उसे बिगड़ने देना नहीं चाहिए, यही इस कहानी का मूल उद्देश्य है। और अंत में एक बात यहाँ पर रह गया, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। तो इस वाक्य को जब गले लगाने के बाद, श्रीकंठ के गले लगाने के बाद लाल बिहारी श्रीकंठ को कहता है, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। तो इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है कि कथेल यनक रुद्र श्रीकंठ की बैद मेरे लाल बिहारी का, लाल बिहारी बड़ा बड़ा बंदर ऊन एक बंदर तन अरवी एल तक ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ಆನಂದಿ ತನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅತ್ತಿಗೆ ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ, ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಭಾಳ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಬಾರ್ದಂತಾರ, ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅದಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳು ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಒಳಗಡೆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡಲಾರ್ದಂಗ ಅಣ್ಣ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಸಿಟ್ಟನ್ನಿಸ್ತದ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿಗೆ, ಏನ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಸಿಟ್ಟನಾಗದಣ್ಣ, ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾ ಈ ಮನೆಯಾಗ ಇರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾ ಇನ್ನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವತ್ನಾಗ ಆನಂದಿ ಆ ಅಣ್ಣಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳ ಏನಂಥೇಳಿ, ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಒಂಟಾನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಏ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಶ್ರೀಕಂಠ ಹೇಳ್ತಾನ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಬಹಳ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾಳ, ಕೊನೆಗೆ ತಾನ ಹೋಗಿ ಆ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿಯನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳ, ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೈಲ ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆದ್ರ ಅಣ್ಣ ನನಗ ಕ್ಷಮಿಸಿದನು ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಶ್ರೀಕಂಠಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯ ಕರಗಿ ಅವನು ಕೂಡ ಬಂದ ಆಲಿಂಗನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನ. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ, ಭಯ್ಯ ಅಬ್ ಕಭಿ ಮತ್ ಕಹನಾ ಕಿ ತುಮಾರ ಮೂಹನ್ನ ದೇಖೂಂಗ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಶ್ರೀಕಂಠ ಹೇಳ್ತಾನ, ಅಲ್ಲೇ ಹುಚ್ಚ, ಈ ರೀತಿ ಅವಕಾಶ ಇನ್ಮೇಲೆ ಈಶ್ವರ ನಮಗೆ ಬರದಂಗ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನ. ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಬೇನಿ ಮಾಧವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಡೀ ಊರಿನ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆತನದ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಈ ಒಡೆಯುವಂತಹ ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ತಾರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಆನಂದಿ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೊಸೆಯಂದರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆಯನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಮನೆಯನ್ನು ಒಡಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಪಾಠದ.